सोन चिराया। घने जंगल में एक पेड़ पर सोन चिड़िया रहती थी। जब वह गाना गाती थी तो उसकी चोंच से मोती झड़ते थे। एक दिन एक चिड़ीमार ने यह देख लिया। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन में सोचा, वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। यदि मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं तो मुझे नित्य ही मोती प्राप्त होंगे। इस तरह मैं जल्दी ही धनवान बन जाऊंगा। यह सोचकर चिड़ीमार ने जमीन पर जाल फैलाया और धान के कुछ दाने बिखेर दिए। सोन चिड़िया दाने चुगने के लोभ में पेड़ से नीचे उतर आई और जाल में फंस गई। उस दिन से चिड़ीमार को मोती प्राप्त होने लगे और कुछ ही दिनों में वह धनी संपन्न हो गया। इस तरह धन तो उसके पास बहुत एकत्र हो गया था, लेकिन वह सदैव चिंतित रहता था क्योंकि लोग उसे अब भी चिड़ीमार कहते थे। कोई भी उसे सम्मान नहीं देता था। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग उसे सम्मान देने लगे। उसने एक उपाय सोचा। उसने चिड़िया के लिए सोने का एक सुंदर पिंजरा बनवाया और पिंजरे सहित चिड़िया राजा को उपहार स्वरूप दे दी। उपहार देते समय वह राजा से बोला, महाराज, यह चिड़िया आपके महल में मीठे मीठे गीत गाएगी और नित्य आपको मोती भी देगी। ऐसा विचित्र उपहार पाकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने चिड़ीमार को दरबार में ऊंचा पद दे दिया। कुछ ही समय में राजा के पास भी मोतियों का ढेर लग गया। फिर राजा ने पिंजरे सहित वह चिड़िया अपनी रानी को दे दी। एक दिन रानी ने पिंजरे का दरवाजा खोला तो चिड़िया फुर्र से उड़ गई। रानी ने सोने का पिंजरा शाही सुनार को देते हुए कहा, इस सोने के पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने बनवा दो। स्वतंत्र होने पर सोन चिड़िया बोली, रानी माँ, तुम धन्य हो जो मुझे स्वतंत्र कर दिया। तुम दयालु हो। पिंजरे में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसा कहकर वह जंगल में उड़ गई और रानी के गुड़ गाने लगी। कथासार, पराधीनता भला किसे भाती है। पक्षियों के लिए तो यूं भी उन्मुक्त विचरना बहुत जरूरी है क्योंकि यह उनकी प्रकृति है। रानी को सोन चिड़िया जब सोने के पिंजरे में बंद दिखी तो उसने उसे मुक्त कर दिया और पिंजरे के आभूषण बनवा लिए। आभूषणों के प्रति आकर्षण स्त्री सुलभ सहज प्रवृत्ति है और हर कोई अपनी प्रकृति के अनुरूप ही आचरण करता है, जैसा राजा वह चिड़ीमार ने किया था।